सो हे क्यूटीज, आज हम BTS क्राफ्ट करने वाले हैं। सो BTS आर्मी लाइक ठोक दो और सब्सक्राइब भी करो। तो लेट्स बिगिन। सो फर्स्ट हम करने वाले हैं DIY BTS फ्रेम। तो इसके लिए यहाँ पे मैंने थिक वाटर कलर शीट ली है एंड यहाँ पे मैं स्पॉन्ज ले रही हूँ। स्पॉन्ज को मैंने ऐसे छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है, क्योंकि अगर मैं कोई भी डार्क कलर अप्लाई करती हूँ एंड बाद में वाइट यूज़ करती तो वो कलर स्मज हो जाता है, इसलिए। तो यहाँ पे मैंने ये एक्रेलिक कलर्स यूज़ किए एंड आपका जैसा चाहे वैसा पैटर्न बना दो, नो मैटर। तो ये देखिए ऐसा कुछ मेरा पैटर्न बन गया है। फिर वाइट पेंट से मैं थोड़े स्प्लैशेस दूंगी एंड थोड़े स्टार्स बनाऊंगी। सो ये वाला वीडियो थोड़ा छोटा है, बट नो मैटर, आप ये DIYs बना सकते हो। तो ये हो गया एंड ना अब हम ब्रश पेंस लेंगे। तो ये मैंने गणपति जी की ड्राइंग की है, जिसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया है, तो अगर आप चाहते इसे चेकआउट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं ब्लैक ब्रश पेन की मदद से BTS का लोगो बनाने वाली हूँ। ये सब होने के बाद हमारा BTS फ्रेम रेडी है, जस्ट आप इसको फ्रेम कर दो। तो सेकंड DIY है बुकमार्क। सो यहाँ पे मैंने लिया है एक कार्ड पेपर, फिर उसके ऊपर BTS का लोगो कुछ इस तरीके से ड्रॉ किया एंड इसके जो है वो मैंने ब्लैक ब्रश पेन की मदद से फिल कर दिया। फिर छोटे छोटे ऐसे वाइट स्ट्रिप्स मैंने निकाले एंड यहाँ पे इसके अराउंड ऐसे स्टिक कर दिए। तो ये हम सब स्टिक कर लेंगे। तो इसके बाद मैंने लिया है एक पेपर एंड उसके ऊपर मैं ये वायलेट कलर का ब्रश पेन यूज़ कर रही हूँ। अगर आप चाहे तो डायरेक्टली पर्पल कलर का कार्डस्टॉक पेपर यूज़ कर सकते हो। तो अभी मैं इसके ऊपर अपना BTS का जो हमने बनाया है वो चिपका दूंगी एंड मेटालिक ब्रश पेन से इसके ऊपर लिखूंगी BTS। तो या तो यहाँ पे मैंने एक पेपर लिया है एंड उसका ऊपर का जो भाग है उसको मैंने फोल्ड कर दिया है। तो इसके ऊपर हम इस तरीके से इसे चिपका लेंगे एंड हमारा बुकमार्क रेडी है। तो हम थर्ड DIY बनाने वाले हैं कोया की चेन। सो यहाँ पे सबसे पहले मैं ड्राइंग्स कर लूँगी एंड BTS आर्मी जल्दी से कमेंट सेक्शन में पर्पल हार्ट कमेंट कर दो। एंड यहाँ पे ये देख लो, मैंने यहाँ पे कोया लिख लिया एंड मैंने उसकी ड्राइंग बना दूँगी। फिर उसके बाद उसको कलर कर दूँगी एंड या फिर उसके बाद हम लेंगे टेप और टेप से उसे लैमिनेट कर देंगे। ये हो गया है डन। तो आपको कैसा लगा ज़रूर बताना कमेंट्स में। फिर यहाँ पे मैंने लिया है नीडल एंड थ्रेड। तो अभी इन सब में से मैं एक एक बार ऐसे नीडल एंड थ्रेड पास कर दूंगी एंड फिर इसके बीच बीच में मैं स्टोन्स यानी कि बीड स्टोन्स ऐसे लगा दूंगी एंड हमारा किचन रेडी है।
थ्रेड्स डालने से पहले हम जो भी एक्स्ट्रा थ्रेड होगा ना नीडल के पास वाला उसको कट कर देंगे एंड फिर हम इसके अंदर स्टोन्स डालेंगे एंड इट्स रेडी। एंड इफ यू लाइक माई वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। टिल देन बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।